वेलकम टू द चैनल स्मार्ट अर्निंग एकेडमी गाइस, एंड दिस इज अजय कुमार नामदेव। मैं यहां पर लेकर आया हूं जो स्मार्ट अर्निंग एकेडमी द्वारा डीबीटी क्रैश कोर्स की सीरीज जो चलाई जा रही है, ये उसी का पार्ट है। जनरल एप्टीट्यूड, जहां पर मैं पिछले दो लेक्चर्स ले चुका हूं, जहां पर मैंने 2019 और 2018 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, और आज मैं उन्हीं क्वेश्चन को कुछ आगे बढ़ाकर 2018 के क्वेश्चन पेपर्स को पूरा सॉल्व कराऊंगा, एंड वी विल ऑल्सो सॉल्व सम 2017 क्वेश्चन पेपर। सो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे फिर से। हम यहाँ पे जो क्वेश्चन 2018 का है, वो ये एक जो डाइस का क्वेश्चन है वो हम डील करेंगे। सो द क्वेश्चन सेज दैट इफ द फोर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर एज गिवन बिलो, फाइंड द नंबर दैट इज ऑन द फेस अपोजिट टू फोर। सो आपको ये चार फिगर्स दिए हुए हैं, इन चारों फिगर्स को आपको देख के बताना है कि फोर के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आपके पास चार आंसर फिगर्स दिए गए हैं या क्वेश्चन फिगर्स दिए गए हैं, तो आप उसमें से ऐसा दो फिगर चूज करिए जहां पे आपको कम से कम दो नंबर एक जैसे मिल रहे हैं, और आपको जो क्वेश्चन में जो नंबर आपको पूछा गया है जिसके अपोजिट, वो नंबर आपको वहां मिल रहा हो। लाइक सपोज इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे कि फोर यहाँ पर अवेलेबल है, फोर यहाँ पर अवेलेबल है, साथ में इसके नंबर जो है वो टू एंड थ्री है, लेकिन टू एंड थ्री आपको कहीं पर साथ में और नहीं दिख रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें कि फोर के अलावा यहाँ पे फाइव एंड सिक्स अवेलेबल है, लेकिन फाइव एंड सिक्स यहाँ पे एक इस फिगर में अवेलेबल है। सो इन दोनों फिगर्स को हम चूज करेंगे। हमें यहाँ पे दो नंबर कॉमन दिख रहे हैं, और हमें जो क्वेश्चन में नंबर हमसे पूछा गया, हमारे पास एक फिगर में वो भी अवेलेबल है। सो हम जब चूज करेंगे तो हम ये दोनों जो फिगर्स हैं, ये दोनों फिगर्स को चूज करेंगे। नाउ इन दोनों फिगर्स में अगर आप देखेंगे कि डाइस है, डाइस अगर इस तरीके से है और इसका जो लेट मी मेक इट अ बिट फेयरर, like suppose this is, these are the three faces. Now in these two faces, either six and five for one figure, and for one figure it is five and six. So now you can see ki in the top face, in one face four is given and in another face one is given. So it can only be possible if these two numbers are on the opposite faces. It is very simple. If you can see a dice, then you can clearly see that ki agar do फेसेस पर दो नंबर सेम है, तो जो बाकी का जो टॉप फेस पर जो नंबर दिख रहा है वो एक अपोजिट वाले फेस होते हैं। अगर ऊपर टॉप फेस पे फोर है तो नीचे अपोजिट वाले फेस में यहाँ पर वन होगा, तभी यहाँ पे दोनों नंबर सेम दिख सकते हैं। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल कि आपको जो टॉप लेयर में आपको जो नंबर दिख रहे हैं वो एडजेसेंट नहीं हो सकते, वो अपोजिट ही होंगे। सो बेसिकली इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने कभी डाइस देखा तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली द आंसर विल बी फोर के अपोजिट क्या आ रहा है, वन। सो योर आंसर विल बी दिस। होप ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको समझ भी आया होगा। सो नाउ अगेन द क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन डायग्राम। इस डायग्राम में कितने स्क्वायर्स हैं, तो आप इसको क्वेश्चन को किस तरीके से देखेंगे, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। सबसे पहले आप चार जो स्क्वायर, सॉरी हाँ तीन स्क्वायर यहाँ पे बड़े स्क्वायर आपको दिख रहे होंगे, एक सबसे आउटर वाला स्क्वायर, एक ये वाला स्क्वायर और एक ये वाला स्क्वायर। ये तीन स्क्वायर आपको बेसिकली जो सामने सामने दिख रहे हैं, सो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। दिस वन इज द आउटर स्क्वायर, इसके बाद एक इस तरीके से कुछ दिख रहा है आपको, और एक उसके अंदर जो दिख रहा है वो छोटा सा ऐसे दिख रहा हुआ, ठीक है। यही तीन स्क्वायर आपको बड़े स्क्वायर दिख रहे हैं। नाउ इन स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय टू लाइंस, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है। सो टोटल कितने नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पे बनेंगे, एक दो तीन चार, और ये बड़ा वाला अपने आप में जो स्क्वायर है वो पांच। सो फाइव स्क्वायर हियर, अगेन फॉर दिस स्क्वायर ऑल्सो दिस इज डिवाइडेड बाय टू लाइन्स। सो वन टू थ्री फोर, फोर स्क्वायर आर विजिबल, यू कैन सी इन द क्वेश्चन फिगर ऑल्सो। दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अगेन अ स्क्वायर, दिस इज अगेन अ स्क्वायर, एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो स्क्वायर। सो फोर स्क्वायर एंड द बिगर स्क्वायर हियर ऑल्सो फाइव स्क्वायर, सिमिलर इन द इनर स्क्वायर ऑल्सो, इट इज सिमिलर टू दिस वन। सो फाइव स्क्वायर हियर ऑल्सो, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर विल बी 15. This is your answer. तरीका है इसको और इजी करना, तो आप इसके नाम नॉमेनक्लेचर या नाम भी रख सकते हैं पॉइंट्स के, यहाँ पे ए बी सी डी रख के, और उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो तरीका आपको आसान लगता है, मुझे ये तरीका आसान लगा तो मैंने आपको ये बता दिया, क्योंकि फिगर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आपको ज्यादा सोचना पड़े। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, A spherical mammalian cell of radius R is infected by a single coccus bacterium
having 110 smaller radius. Given that the host cell will lies when half of the cell volume is taken up by the bacterium, approximately how many times will the bacterium divide before the host cell is lysed? Now, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे. फर्स्ट जो मैथ का जो आपका एप्टीट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है मेंसुरेशन का, जहां पे आपको स्फीयर का वॉल्यूम और रेडियस वगैरह दिखा जाता है, और सेकंड द नंबर ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट, जो 2 to the power n वाला फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ जनरेशन का, आपको वो वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. दिस इज अ गुड क्वेश्चन जो आपको बायोटेक के किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. ये एक मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है. सो इस क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि एक स्फेरिकल रेडियस सेल है आर, विद अ रेडियस आर, ये सेल है ठीक है. इसमें क्या हुआ है, क्या इसका जो रेडियस है वो एक स्मॉल जो सेल है उससे 100 टाइम्स ज्यादा है, या फिर बोल दें कि जो बैक्टीरिया का रेडियस है इट इज 100 टाइम लेस या स्मॉलर. सो ये बैक्टीरियम है, ये सेल है. नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है कि गिवन दैट द होस्ट सेल विल लाइज व्हेन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल वॉल्यूम इज टेकन अप बाय द बैक्टीरियम. कहना मतलब कि इसका जो हाफ वॉल्यूम है, हाफ वॉल्यूम अगर बैक्टीरिया के द्वारा टेकअप कर लिया जाए तो ये सेल लाइज हो जाएगा, मतलब कि टूट जाएगा. तो यहां पे अगर आप देखने की कोशिश करें कि तो एक सेल रहेगा, बैक्टीरियम क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं. सो इट विल इंक्रीज अगेन, एंड जब तक ये पूरा हाफ भर जाएगा तभी ये जो सेल है हमारा ये लाइज करेगा, मतलब टूटेगा, ब्रेक करेगा. तो हमें पता करना है क्वेश्चन में कि कितने नंबर ऑफ जनरेशन होंगे तब जाके ये सेल लाइज होगा. लेकिन उससे पहले, जनरेशन से पहले आपको पता करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हुए हैं, जिसके लिए आपको मेंसुरेशन वाले पार्ट की जरूरत पड़ेगी. सो बेसिकली हमने जो बताया है क्वेश्चन में कि हमने जो ये स्फीयर है, या बोलूं सेल का जो स्फीयर है, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, 4/3 πr³. लेकिन आपको भरना कितना है, सिर्फ हाफ. जो लाइज करने की कंडीशन है वो है हाफ, इज इक्वल टू एक बैक्टीरियम का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, वो भी स्फेरिकल है. सो 4/3 πr, रेडियस कितनी है, r/100 स्मॉल की, आर क्यूब. लेकिन कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो हमें यहाँ पे देखना है. सो लेट सपोज द नंबर ऑफ सेल्स विल बी सी, मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ सेल्स या बैक्टीरियम, सॉरी बैक्टीरियल सेल्स या बैक्टीरियम विल बी सी. नंबर ऑफ मैंने बात की, अभी हम जनरेशन पे नहीं जा रहे, तो नंबर ऑफ. नाउ जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सो 4/3 π, 4/3 π विल गेट कैंसल आउट, इवन आर क्यूब एंड आर क्यूब विल गेट ऑल्सो कैंसल आउट. सो नाउ यू विल बी लेफ्ट विथ 1/2 c/100³, विच इज इक्वल टू c/10 lakhs. नाउ 2 से अगर आप डिवाइड करते हैं या c की वैल्यू निकालेंगे तो c विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 lakhs/2. सो इट विल बी 5 lakhs. c इज इक्वल टू 5 lakhs, मतलब कि आपके पास नंबर ऑफ सेल्स आ गए हैं 5 lakhs. Now, how will you find the number of generations? Yeah, number of times the cell divides. It is the number of generation. That is equals to 2 to the power n. Number of generations ka formula hota hai. 2 to the power n is equals to total number of cells. Kitne hain aap yahan pe? 5 lakhs. Ya aapne biotech ke jo section hai, wahan pe aapko padhaya ja raha hai, ya aapne padh liya hoga. So, 2 to the power n. Now, aapke liye calculate karna thoda mushkil ho jayega. Main iske liye thoda sa asaan tarika batata hun. Ki 5 lakhs ko aap tod lijiye 1000 into 500 mein. Now, 1000 is approximately what? 2 to the power 10, kya hota hai? 1024. So it is equivalent to this. Similarly, 500 is equivalent to 2 to the power 9. That is 512. So this is, and this is also equivalent. So now, 2 to the power 10 and 2 to the power 9. 10 to the power 19 it will be. 2 to the power 10 into 2 to the power 9, which will give you 2 to the power 19. Again, अगर आपको ये थोड़ा सा समझ में ना आए तो मैं इसके लिए आपको बोलूंगा, आपके पास कैलकुलेटर होता है, आपको जो बड़ी बड़ी बोलूंगा 2 की पावर्स आपको पता है, जैसे 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 1024, ये आप लोग बहुत इजीली निकाल लेंगे. 2 की पावर निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है. 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 इज 1024. यहां तक तो आप निकाल लेंगे. अब इसके आगे आप जो आपको वहां पे शायद एग्जाम में कैलकुलेटर गिवन होगा, आप उसका यूज भी कर सकते हैं. और आपके पास जो ऑप्शंस गिवन है ये, आप इनमें से कुछ थोड़ा बहुत आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि नंबर ऑफ जनरेशन कितना आएगा. होप ये चीज आपको समझ आ रही होगी. सो आंसर इज 19. ये तरीका जो मैंने आपको बताया ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, स्पेशली जो 2 की पावर्स होती है वहां पर आप बहुत इजिली तरीका यूज कर सकते हैं, किसी भी नंबर को ब्रेक करके और फिर उसके आसपास के नंबर्स को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं. होप ये आपको समझ आया होगा. नाउ हमारा 2018 का जो पार्ट था वो खत्म होगा. नाउ वी आर मूविंग टू 2017. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट ऑन द रनवे टू फाइनल टेक ऑफ, एन एयरक्राफ्ट टेक्स 50 सेकंड्स. ड्यूरिंग दिस पीरियड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर.
व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग टेक ऑफ. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको तीन इक्वेशन ऑफ मोशन बताई थी. अगेन मैं यहाँ पे फिर से एक मेंशन कर रहा हूं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड अगेन थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस. ये तीन बेसिक इक्वेशन जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो है. हम इस क्वेश्चन को फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह ही सॉल्व करेंगे. लास्ट टाइम हमने ये वाला इक्वेशन यूज किया था, दिस टाइम हम ये क्वेश्चन डिसाइड करते हैं कि जिस तरीके का डेटा हमें गिवन होता है. यहाँ पे जैसे 50 सेकंड्स टाइम गिवन है, डिस्टेंस गिवन है 1 किलोमीटर, और आपको एक्सेलरेशन निकालना है. ठीक है, साथ में एक चीज अगर आप देखें कि फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट लिखा हुआ है. स्टार्ट पॉइंट मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट पॉइंट पे होता है तो वो स्टेशनरी पोजिशन पे होता है, स्टेशनरी पोजिशन पे है. अगर मतलब आप इसको देखें कि एक एरोप्लेन जब स्टार्ट होता है तो वो स्टेशनरी पोजिशन पे होता है, देन वो अपना रनवे स्टार्ट करता है. सो इनिशियल स्पीड जो होगी वो हो जाएगी जीरो, क्योंकि वो स्टेशनरी है. U is equals to zero. तो आपके पास U है डिस्टेंस के लिए मैं बात करूं, यहाँ पे S से मेंशन किया जाता है. सो S इज अ डिस्टेंस एंड T इज अ टाइम. सो U, S एंड T, तो आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है. तो आपके पास इस फॉर्मूले में या इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो आपके पास T गिवन है, U गिवन है, S गिवन है एंड A पूछा गया है. तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे. तो बेसिकली S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. टाइम इज गिवन इज 50 सेकंड, एक्सेलरेशन भी आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालना है. क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो टाइम हम सेकंड्स में ही रखेंगे. नाउ डिस्टेंस इज गिवन 1 किलोमीटर, सो 1 किलोमीटर को हम मीटर में लिखते हैं 1000 मीटर. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 1000 मीटर, मीटर आई एम नॉट मेंशनिंग हियर द यूनिट, एंड यू इज इक्वल टू जीरो. सो टाइम इज टी, अगेन टाइम इज 50 सेकंड, एक्सेलरेशन इज ए एंड 50 इज का स्क्वायर. नाउ 0 इनटू 2 विल बी 0, सो आई एम नॉट राइटिंग दिस पार्ट. So 1000 is equals to 1 upon 2 a, 50 ka square is 2500. Now 100, this will be cancelled out, so it will be 12550. So 1250 into acceleration. Now, acceleration is equals to 1000 upon 1250. इसे अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो this will cancel out to 25, 25 4 is 100, 25 5 is 125. So, A is equals to 4 upon 5, which is equals to 0.8 meter per second square. So, this is your acceleration. And that's why this is your answer. Hope ये चीज आपको समझ आई होगी. इक्वेशन ऑफ मोशंस के लिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप यूज करें इक्वेशंस ऑफ मोशंस को, ध्यान रखें. लास्ट ईयर 2018 में जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया, लास्ट लेक्चर में मैंने वो भी क्वेश्चन आया था, 2017 में भी ये वाला क्वेश्चन आया है. तो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन को आप हमेशा ध्यान में रखें. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन जॉग्स फ्रॉम हिज होम टू प्लेग्राउंड एट 6 किलोमीटर पर आवर. He walks back from the playground to his home at 4 km per hour. What is his average speed? So, average speed का जो formula होता है, average speed का जो formula होगा वो होगा total distance upon total time. ठीक है, ये basic चीज है. लेकिन अगर आपको इसका formula चाहिए है तो मैं आपको वो भी देता हूं, 2 u v upon u plus v, where u is the स्पीड. जो आप कोई भी एक स्पीड ले लीजिए, शायद जाने की स्पीड आप बोल दीजिए फर्स्ट जो होती है, एंड वॉकिंग स्पीड में बोलूंगा इनिशियल, या एंड वी जो होती है फाइनल वॉकिंग स्पीड, या जो लौट के आने की आप स्पीड बोल दीजिए, फाइनल स्पीड जिसे बोल लीजिए. ये तब फॉर्मूला है जब आपका डिस्टेंस सेम होता है. ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये हमेशा नहीं लगेगा. जब भी आपके पास डिस्टेंस डिफरेंट होगा आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जब डिस्टेंस सेम होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. यहाँ पे आप देखिए जॉगिंग करने जा रहा है प्लेग्राउंड होम टू प्लेग्राउंड, वापस आ रहा है प्लेग्राउंड टू होम, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहना है. दैट्स व्हाई वी आर गोना यूज दिस फॉर्मूला. और अगर डिस्टेंस डिफरेंट होता है तो आप टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो नाउ मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ कि 2 यू वी, यू आप मान लीजिए यहाँ पे 6 को और वी मान लीजिए 4 को. तो 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4, तो 6 4 जा 24 टू जा 48 अपॉन 6 प्लस 4 इज 10. सो 48 अपॉन 10 इज 4.8 किलोमीटर पर आवर. दिस इज योर एवरेज स्पीड. अगर आप, मैं आपको बोलूंगी इस फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं तो मैं वो भी बता देता हूं. यहां पे आपका डिस्टेंस ले सपोज कि होम से प्लेग्राउंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है,
ठीक है, उसको जाने का स्पीड जो यू, लेट सपोज आई एम सेइंग जाने का स्पीड, फर्स्ट इनिशियल स्पीड अप मान लीजिए दैट इज 6 एंड फाइनल स्पीड और जो वापस आने का स्पीड है दैट इज 4, तो उसको टाइम कितना लगेगा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज डी, स्पीड इज 6, सो इनिशियल जो जाने का टाइम है वो डी अपॉन 6 है, जो आने का टाइम होगा वो हो जाएगा डी अपॉन 4, तो टोटल डिस्टेंस विल बी डी प्लस डी, आ जो है और जा रहा है वापस, तो डी और डी टोटल 2d हो जाएगा डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस इज 2d अपॉन टोटल टाइम इज डी अपॉन 6 प्लस डी अपॉन 4, ये जो d है ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से कैंसिल होगा, तो आपके पास बचेगा 2 अपॉन 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 4, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 अपॉन 4 प्लस 6 10 अपॉन 24, इसे सॉल्व करने जाएंगे तो 24 ऊपर चला जाएगा, 24 टू 48 अपॉन 10 एंड आपको फिर मिल जाएगा 4.8। So, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से दोनों से ही आंसर सेम आता है, बट आप ध्यान रखेंगे अगर आपके पास डिस्टेंस सेम है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास डिस्टेंस सेम नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस इज योर आंसर। थैंक यू गाइज, होप आपके लिए ये लेसन थोड़ा यूजफुल रहा हो, और आगे भी मैं आपके लिए और जो सेशन है वो लेकर आऊंगा जहां पे हम 2017 के बचे हुए क्वेश्चन और इवन 2016 के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। So like, follow and subscribe for more videos and updates. Thank you.